गुड मॉर्निंग क्लास, 11th क्लास विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है बेटा, जो पाठ चल रहा है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। तो इसके अंतर्गत हमने कल सहयोग वाली बात की थी। सहयोग किसे कहते हैं, किस तरह का सहयोग होता है, कितने प्रकार का सहयोग होता है, उसका अर्थ समझा, परिभाषा समझी। आज हम अध्ययन करेंगे बेटा प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। प्रतियोगिता होती क्या है, ठीक है बेटा। प्रतियोगिता जो है एक प्रकार की असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया होती है और ये आधुनिक समाजों में जो है विशेष रूप से पाई जाती है। ये जो है एक प्रकार का क्या होती है, अप्रत्यक्ष संघर्ष। यानी प्रतियोगिता जो है संघर्ष हम कर रहे हैं लेकिन अप्रत्यक्ष, ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें जो है सीमित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्ति या समूह एक साथ प्रयास करते हैं। यानी कि सीमित वस्तु, यानी अगर सरकारी नौकरी है तो अगर नौकरी में जो है 100 पोस्ट निकली, अब 100 पोस्ट पे जरूरी नहीं कि 100 ही लोग करेंगे, आवेदन पत्र कितने आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। तो यानी कि 1,00,000 लोग जो है 100 चीजों को प्राप्त, 100 पदों को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं। बात आ गई ना, सीमित वस्तुओं यानी कि कम वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न समूह एक साथ प्रयास करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए जो है, इसलिए कह सकते हैं कि प्रतियोगिता जो है एक असहयोग, इसमें जो है पर में सहयोग नहीं किया जाता। अब मैं दौड़ रहा हूँ, एथलीट हूँ मैं, तो मैं क्या सोचूंगा, अपने साथ वाला जो एथलीट है, धावक है, जो मेरे साथ वाला जो रनर है, जो मेरा कंपटीटर है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ साथ दौड़ रहा है, तो मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, उस समय मैं उससे आगे निकलने की कोशिश करूँगा, चाहे वो गिर जाए तब मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, उस समय उठाने मैं निकल जाऊँगा आगे, क्योंकि मुझे उससे पीछे रहना है, क्योंकि मुझे उससे पहले पाना है। तो एक असहयोगी प्रक्रिया कह सकते हैं हम इसको, ठीक, सहयोग नहीं होता प्रतियोगिता के अंदर, ठीक है। अत्यधिक प्रतियोगिता भी, अगर प्रतियोगिता ज़्यादा हो गई तो समाज में विघटन भी ला सकती है, परंतु यह प्रतिभाओं के चयन और सामाजिक प्रकृति के दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रतियोगिता विघटनकारी भी हो सकती, लेकिन यह प्रतिभाओं का चयन, मैंने वही बात की, अगर 100 पद के लिए जब 1,00,000 लोग आवेदन करते हैं तो उनमें से चुने कौन जाते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, जिनके अंदर बात होती है, ज्ञान होते हैं जिनके अंदर, तो उनको चुना जाता है। प्रतियोगिता एक प्रकार से जो है जरूरी भी है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, जब योग्य व्यक्तियों का चयन होता है तो समाज की प्रगति होती है। तो प्रतियोगिता का ये हो गया। अब है प्रतियोगिता की परिभाषाएं। प्रतियोगिता सीमित वस्तुओं के उपयोग के लिए किया जाने वाला संघर्ष, मतलब सीमित वस्तुएं होती हैं उनके उपयोग के लिए जो है, जब अधिक से व्यक्ति, मतलब कम चीज है और दावेदार अधिक है, तो प्रतियोगिता होती है, कॉम्पिटिशन होगा कि कौन किसको मिलेगी, किसको मिलेगी, ठीक है ना, इसको कहते हैं प्रतियोगिता, ठीक। तो प्रतियोगिता दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों में किसी सीमित वस्तु को प्राप्त करने वाले के लिए होने वाला अचेतन और निरंतर संघर्ष, यानी हमेशा जो है होता रहता है, क्योंकि हमारे समाज में जो संसाधनों का वितरण है वो असमान वितरण है, इसलिए जो है प्रतियोगिता हमेशा चलती रहती, ठीक है बेटा। अब है प्रतियोगिता की विशेषता। प्रतियोगिता में सबसे पहले इसमें जो है मुख्य चीज़ ये है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह होते हैं। अकेला व्यक्ति होगा तो उसमें प्रतियोगिता कहाँ से होगी, कॉम्पिटिशन कहाँ होगा, एक मैं ही हूँ, मैं ही दौड़ता चला गया, मैं ही फर्स्ट आ गया, तो प्रतियोगिता नहीं मानी जाएगी। हाँ, जब मेरे साथ कोई और भी लाइन में होगा उसी चीज़ को पाने के लिए, तब वो प्रतियोगिता कहलाएगी। तो इसमें जो है सबसे पहली खास बात इसकी ये होती है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। फिर ये असहयोगी प्रतियोगिता, प्रतियोगिता जो है असहयोगी प्रक्रिया है। माना मेरा प्रतियोगी अगर मेरे से पिछड़ रहा है तो मैं उसकी मदद नहीं करूँगा कि आगे आए, नहीं, मैं उसे छोड़ दूंगा, उसका सहयोग बिल्कुल नहीं करूँगा। माना मैं एग्जाम देने बैठा हूँ, चलो स्कूल में तो बच्चे एक दूसरे को बता देते हैं अपने दोस्तों के लिए, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बेटा तो वहाँ किसी को कोई जानता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपस में अगर हम शेयर करेंगे तो पता लगा वो मेरे से उसका हो गया और सिलेक्शन हो गया, मैं रह गया। इसलिए जो है प्रत्येक व्यक्ति, माना अगर हम 50 व्यक्ति एक रूम में बैठ के
किसी प्रतियोगी एग्जाम को दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा को दे रहे हैं, तो हम आपस में कभी भी जो है एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे। क्यों? कि अगर सहयोग करेंगे तो हमें से कौन आगे बढ़ेगा, इसलिए जो है हम एक दूसरे को पीछे कि मेरा ज़्यादा होना चाहिए, मैं सही करूँगा, मैं सही करूँगा, इस प्रकार जो है इसमें सहयोग की बात बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, फिर ये अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन क्या है? इसमें जो प्रतियोगी होते हैं वो कभी कभी एक दूसरे को जानते भी नहीं, प्रयास हम एक चीज़ के लिए ही कर रहे हैं लेकिन हम एक दूसरे में एक दूसरे को जानते भी नहीं, ना हमें पता भी नहीं था कि कौन किस तरह से प्रयत्न कर रहा है, क्या कर रहा है, आपस में हमें एक दूसरे का कोई भी ज्ञान नहीं होता। ठीक, अब है बेटा निरंतर होने वाली प्रक्रिया होती है। प्रतियोगिता जो है हमेशा चलती रहती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि हमेशा हमारे जो समाज में है, प्रत्येक क्षेत्र में, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो है व्यक्ति चाहे संघर्ष करता ही रहता है, चाहे वो संसाधनों को पाने के लिए हो, चाहे नौकरी पाने के लिए हो, किसी भी चीज़ को पाने के लिए प्रतियोगिता होती रहती है। तो तब आप खुद देखते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, सबसे पहले जो आगे वाले सीट पर बैठो, कुछ बैक बेंचर होते हैं, सबसे पहले बैक सीट पर होते हैं, क्योंकि दौड़ के सबसे पहले जाना है कि मैं पाऊँगा। प्रतियोगिता आज ट्रेन में बैठते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, तो सबसे पहले घुसने की कोशिश करते हैं ताकि मुझे सीट मिल जाए। प्रतियोगिता है, मतलब जीवन के हर पहलू में जो है आप देख रहे हैं, स्कूल आने से लेके बस में बैठने तक जो है आप प्रतियोगिता हुई है। तो इस तरह से जो है प्रतियोगिता हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। फिर ये सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक में सभी स्थानों पर पाई जाती है, मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ ये प्रतियोगिता सभी देशों में ही पाई जाती है। ठीक, क्योंकि हर जगह जो है एक समान वितरण तो बेटा कहीं भी नहीं होता। ठीक है, अब प्रतियोगिता के रूप आर्थिक प्रतियोगिता होती है जो व्यापारियों के बीच होती है, धन कमाना। ठीक, दूसरी सांस्कृतिक प्रतियोगिता होती है, इसमें जो है अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने का जो है वो किया जाता है, अपनी संस्कृति को आगे दिखाना होता है, इसके लिए भी प्रतियोगिता होती है। अब आप देखते हैं झांकी जाती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी को जब दिल्ली में परेड होती है तो हर स्टेट की अपनी अपनी झांकी जाती है, तो वो भी चाहते हैं कि भाई हमारे स्टेट की और अच्छी हो, ये भी एक प्रकार का दिखाना है, अपनी संस्कृति को जो है दिखाना, सांस्कृतिक प्रतियोगिता है। ठीक है बेटा, फिर क्या होता है जब दो संस्कृतियाँ मिलती है, ये हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, दूसरा चाहता है कि मेरी श्रेष्ठ है, अब दीजिए हमारी संस्कृति तो वह नहीं चाहिए, दूसरा हमसे मिल जाए, तो इस तरह की जो प्रतियोगिता होती है इसे सांस्कृतिक प्रतियोगिता कहते हैं। ठीक, फिर भूमिका या स्थिति के लिए प्रतियोगिता। अब क्या होता है कि भूमिका यानी कि अर्जित, किस व्यक्ति को कितनी ऊंची भूमिका मिलेगी, कितना ऊंचा स्थान मिलेगा, उसके लिए भी प्रतियोगिता होगी, चाहे वो नेताजी बनना हो या प्रधान जी बनना हो या फिर किसी नौकरी को पाना हो, वकील डॉक्टर बनना हो, इसलिए भूमिका होगी, जिस हिसाब से मेरा स्थान समाज में होगा उसी तरह से मेरी भूमिका होगी। ठीक है बेटा, इस तरह से जो है कई सारी प्रतियोगिता के जो प्रकार, इसमें आप जातीय प्रतियोगिता भी हो सकती है, राजनीतिक प्रतियोगिता भी आप मान सकते हैं, धार्मिक प्रतियोगिता भी आप मान सकते हैं। ठीक है ना, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है, अंतर्राष्ट्रीय में आप बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्या होती है, सभी देश आज देखो ना एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, अमेरिका चाहता है कि मैं शक्तिशाली बनूँ, चीन चाहता है कि मैं शक्तिशाली बनूँ, हर कोई देश जो है एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है ताकत के मामले में, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। फिर जैसे धार्मिक में भी ये होता है कि सभी व्यक्ति अपने अपने धर्मों को जो है श्रेष्ठ मानता है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय होता है, तो ये धार्मिक प्रतियोगिता है। ठीक है ना, राजनीतिक प्रतियोगिता, सभी राजनीतिक दल जो है अपने चुनाव जीतने के लिए अपने एक दूसरे से जो है कंपटीशन करते हैं, तो ये राजनीतिक प्रतियोगिता कहलाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है प्रतियोगिता का, ये जो है आपका